नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की बोलापुर पुलिस ने फोर्ट व्यू कॉलोनी में 10 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी चोरी का सामान खरीदने वाला भी है। दरअसल फोर्ट व्यू कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति के यहाँ 10 दिन पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था, लेकिन डीवीआर में उनके फोटोज रिकॉर्ड हो गए थे। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और 3 आरोपी अनिल राणा, बंटी उर्फ कुंदन और माल खरीदने वाले सराफा कारोबारी आकाश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में 80,000 रुपये का माल गया था, जिसमें से 60,000 रुपये कीमत के गहनों की रिकवरी हो चुकी है। बहड़ापुर में एक घर में होली के दिन जब वो घर वाले अपने दूसरे शहर गए हुए थे, तो घर को सूना देख के कुछ 3 आरोपियों ने वहाँ पे ताला तोड़ा। और जब वो ये सब कार्रवाई किए तो वो सीसीटीवी में भी आए और इस प्रकार से वह प्रकरण में इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया है। कितने की चोरी की थी घर में? इसमें करीब 80,000 की चोरी हुई थी, जिसमें 60,000 की रिकवरी पुलिस ने कर ली है। सोने के जेवर खरीदने वाले व्यापारी भी है, सब पुलिस का। हाँ, जैसा कि कानून में प्रावधान है कि यदि कोई चोरी का सामान खरीदता है तो उसको भी आरोपी बनाया जाता है, तो उसी नियम के पालन में पुलिस ने कार्रवाई की है। ठीक।